दिल्ली में सियासी ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दोहराया केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी कल से मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। वहीं सियासी मैदान में बीजेपी भी आपको घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए आप सरकार जिम्मेदार हैं। इस वक्त आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये साफ तौर पर बता रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में सियासी तापमान और बढ़ने वाला है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और विधायक पार्षद चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएं। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली में मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन कल से 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान आम लोगों से ये राय ली जाएगी, सुझाव लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी अपनी एकमात्र चुनौती मानती है। सारी गिरफ्तारियों के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, झुका नहीं सकते। इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। इस षड्यंत्र के पीछे का जो मकसद है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो शायद दिल्ली की सरकार को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पार्टी को खत्म किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशन पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। घर घर जाएंगे लोगों से, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी अगर होती है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 1 तारीख से 20 तारीख तक ये सिग्नेचर कैंपेन सभी पोलिंग स्टेशन पे घर घर जाकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कराएंगे। जो सारा कुछ हो रहा है ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो हार देख रही है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को एक एक करके जो है गिरफ्तार करने की साजिश है। और इसलिए दिल्ली के अंदर जो ये कैंपेन शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से लोकसभा की तैयारी की शुरुआत भी है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी एक शख्स को अपनी चुनौती समझती है वो है अरविंद केजरीवाल। भाजपा भली भांति ये बात जानती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही बीजेपी का काल होगा, बीजेपी की राजनीति समाप्त होगी, बीजेपी चुनावी रण के मैदान में चुनाव हारेगी। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। बलराम, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बार बार इस चीज को रिपीट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है, और अगर भविष्य में ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने आएगी, तो उसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी आगे के तैयारियों को देख रही है जिसके लिए वो बार बार हर मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर भी वो जनता के बीच जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, और उस सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा था कि दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है और हम कोई भी फैसला बगैर दिल्ली की जनता से राय लिए नहीं करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, वो जनता के बीच में जाएं
उनके घर जाकर के बताएं कि किस तरह से कथित शराब घोटाले के तहत उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर के अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं, और इसको लेकर के जब दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और दिल्ली की जनता जो भी राय देगी, जो भी सलाह देगी, उसी के आधार पर पार्टी आगे कदम बढ़ाएगी। अगर दिल्ली की जनता कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए तो वो इस्तीफा देंगे, अगर दिल्ली की जनता कहती है कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। और यही वजह है कि कल से मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर अभियान की शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। 20 दिनों तक ये अभियान चलेगा, उसके बाद 4 दिनों तक नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता की राय शुमारी कराई जाएगी और उसके बाद पार्टी फैसला लेगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये मानती है कि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से पार्टी को प्यार और अपना स्नेह दिया है उसको लेकर के वो एक बार फिर से दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट कर रही है वो कहीं ना कहीं उसकी घबराहट को दिखाता है। और ये भी कहा है जो दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं गोपाल राय, वो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने आज प्रेसवार्ता करके कहा कि हम इस अभियान के तहत जनता से ये भी जानेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है पार्टी को खत्म करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, उस षड्यंत्र में आम आदमी पार्टी ना फंसे और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर के जनता का क्या कहना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सीधे तौर पर चुनाव नहीं जीत सकती है, लिहाजा वो जानती है कि किसी षड्यंत्र के तहत अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा तो सरकार को भी खत्म किया जा सकता है और पार्टी को भी खत्म किया जा सकता है, इसीलिए उस षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना है और जनता की राय लेकर के ही आगे काम करना है, इसीलिए कल से मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी करेगी। 20 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा, 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों की भी राय ली जाएगी। जी चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जल बोर्ड मुख्यालय पर दिल्ली बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जल बोर्ड मुख्यालय पर यह प्रदर्शन हुआ है। आरोप बीजेपी का है कि जल बोर्ड में घोटाला हुआ है और जल बोर्ड में घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज जल बोर्ड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। हालांकि बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी तैयारी की थी, बैरिकेड लगाए गए थे ताकि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो आगे ना बढ़ पाए। तो ये साबित हो गया है कि 500 करोड़ रुपया का ये घोटाला है। काम 1500 करोड़ रुपया का था लेकिन पेमेंट 1950 करोड़ रुपया हो गई और उसकी जानकारी हमने 29 अगस्त 2022 को ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी और उन्होंने मेरी शिकायत दिल्ली सरकार के पास भेज दी। दिल्ली सरकार मेरी शिकायत को दबाकर बैठी रही। तो ये बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में
मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, इनकी पार्टी के दो विधायक शरद कुमार चौहान और नरेश वालियान इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ तुरंत FIR हो और दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस घोटाले की जांच CBI से करवाएं। ये जल बोर्ड का जो कार्यालय है ये वरुणालय इसका नाम है, ये वरुणालय नहीं है, ये भ्रष्टालय है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो 10 STP प्लांट की हम बात कर रहे हैं जिसमें 500-700 करोड़ का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसके दस्तावेज मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पा सकते। आम आदमी पार्टी की सरकार जल बोर्ड में भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने उपराज्यपाल से मांग की है CBI जाँच हो और जो जो भी दोषी मंत्री मुख्यमंत्री अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले जल बोर्ड फायदे में था और जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार जल बोर्ड के ऊपर कर्जा हो रहा है, जल बोर्ड पूरी तरह कंगाल कर दिया है। जल बोर्ड जैसी संस्था जो दिल्ली के लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और मुख्यमंत्री जी STP के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। STP लगे नहीं है, STP का टेंडर किया है, महंगे टेंडर किए, काम हुआ नहीं है, पेमेंट 70% हो गई है। तो ये जो दिल्ली जल बोर्ड की जो कार्यशैली है इसके कारण दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है इसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम साबित हो गई है। और इस वक्त धरेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बीरेंद्र बब्बर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी चर्चा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले धनेंद्र भारद्वाज, बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ती है, आम आदमी हर मंच पर कहती है, लेकिन आप पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि जल बोर्ड में घोटाला हुआ है और उसकी जांच CBI जैसे एजेंसी से करवानी चाहिए। देखिए 2015 से लगातार भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली की सरकार के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते, आम आदमी पार्टी के चुनावों में हरा नहीं पाते। इसलिए लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर, विजिलेंस के CBI के साथ मिलकर, ईडी के साथ मिलकर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हम आपकी गीदड़ हफ्ते से डरने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक प्रो पीपल सरकार है, हमें दिल्ली के लोगों ने काम करने के लिए मैंडेट दिया है, हम दिल्ली के लोगों के लिए अकाउंटेबल है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। आप जितनी मर्जी CBI लगा लीजिए, जितनी मर्जी ED लगा लीजिए, जो भी जांच करवानी है जिसकी एजेंसी से करवानी है करवा लो, हमें जेल भेज दो, फांसी पे लटका दो, लेकिन दिल्ली के काम हम रुकने वाले नहीं है, दिल्ली के काम हम रोकेंगे नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे दिल्ली के लोगों के बीच में जाके। कल से हमारा कैंपेन शुरू हो गया, मैं भी केजरीवाल कैंपेन के अंतर्गत हमारे सभी पार्षद सभी विधायक डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की तैयारी करिए, जिस तरीके से झूठे और फर्जी शराब केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की तैयारी करिए, दिल्ली के लोगों के सामने जाकर मोदी जी का पर्दाफाश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करेंगे कि ये हमसे जीत नहीं पाते, दिल्ली के लोगों के दुश्मन है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दुश्मन तो ही दिल्ली के लोगों के दुश्मन है, दिल्ली के डेवलपमेंट के काम रुकना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को जो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा मुफ्त में दे रहे हैं उसे बंद करना चाहते हैं, दिल्ली में स्कूल अस्पताल का काम रोकना चाहते हैं, महिलाओं की बस यात्रा रोकना चाहते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा रोकना चाहते हैं, सारे दिल्ली की सरकार के कामों को, दिल्ली के लोगों के कामों को रोकना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम कल से घर घर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। वीरेंद्र बब्बर, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी मत से तो नहीं हरा पा रही, तो अब इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। ये मैं सुन रहा था अभी किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हम ईमानदार हैं। भाई ईमानदार हैं तो जांच से क्यों घबराते हो, डरते क्यों, जांच से भाग क्यों रहे हो? वो पार्टी जिसके दो मंत्री दिल्ली के जेल में, दो मंत्री जेल में, एक सांसद जेल में, एक मंत्री कांग्रेस पंजाब का इनके जेल के अंदर है,
और तमाम तरह के इनके ऊपर आरोप हैं। वो मंत्री जो राशन कार्ड की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं, शराब घोटाले के अंदर जिनके नाम है, अगर ये इतने ईमानदार है तो जेल में क्यों है? माननीय कोर्ट द्वारा इन्हें क्यों नहीं बेल दी जा रही? देखिए वास्तविकता ये है, ये डर रहे हैं। पहले जब ईडी ने संबंध भेजा तो इन्होंने कह दिया मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हूँ। अब तो भाई चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आने वाला है, पांचों विधानसभा के जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कहीं इनका खाता भी खुलने वाला नहीं है, लिफाफा फटने वाला है। डर इस बात का है कि जब वो लिफाफा फट जाएगा तो उसके बाद मैं कौन सा बहाना बनाऊंगा। अब तो एक ही भजन है, चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है, आप केजरीवाल साहब, आपको ईडी ने बुलाया है, आपसे जांच कर रहे हैं, आपसे पूछताछ कर रहे हैं, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए, ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए, क्यों भाग रहे हो? और रही बात आपका मैं भी केजरीवाल कंपेन, तो भाई हम तो पहले से ही कहते हैं आपके सभी विधायक केजरीवाल हैं, सभी भ्रष्ट हैं, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, परंतु दिल्ली की जनता केजरीवाल बनने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता ने जिस केजरीवाल को वोट दिया था, जिसने ईमानदारी की बात की थी, जिसने कहा था मैं दिल्ली के अंदर लोकपाल लेके आऊंगा, जिसने कहा था अस्त्रों की जवाबदेही तय करूंगा, जिसने कहा था जो होगा पूछ के होगा, क्या शराब नीति जनता से पूछ के बनी थी? क्या घोटाले जनता से पूछ के हुए? क्या 65 करोड़ रुपए महल के अंदर लगाए जनता से पूछ के लगाए गए? जनता जवाब मांगेगी, समय आएगा। और जो ये कहते हैं ना कि चुनाव में नहीं हरा रहे, इनको बता दीजिए 28% वोट निगम के चुनाव में इनका कब हुआ है? भाजपा का 2% वोट बड़ा है, लोकसभा के अंदर परिणाम सामने आ जाएगा। और ये तो ठीक है बब्बर साहब, फटेगा तो सच्चाई। चलिए बीजेपी कांग्रेस के एक दूसरे के ऊपर आरोप है, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश कुमार जी हैं। सर ये जो जल बोर्ड में घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है और क्या कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि जल बोर्ड में कोई घपला घोटाला हुआ है? देखिए मेरी एक बात जरूर है कि अगर कोई किसी भी प्रकार का आरोप लग रहा है तो उसका इंक्वायरी करानी चाहिए, उनका रूट पानी का पानी हो जाएगा, इसमें सीबीआई के लिए इसको भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, तो क्यों नहीं भिजवा देते सीबीआई को इंक्वायरी के लिए? ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में दिल्ली के लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और ये नूरा कुश्ती हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और आए दिन कोई ना कोई बात करते हैं। आज दिल्ली के लोग एक क्यूआई 500 से ऊपर चली गई और ये लोग आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है नरेश जी, बोलिए। जी जी, तो ये दिल्ली की जनता अब डिलीवरी चाहती है और सुशासन चाहती है, और यहाँ पर हो उल्टा रहा है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब डिलीवर करना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल जी हो चाहे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ये चाहिए कि राजनीति बढ़ाने के लिए नहीं घटाने के लिए वो आए हैं, पर वो भी कोई कम नहीं है, वो भी राजनीति को राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के लोगों, ये मैं कहना चाह रहा हूं। धनंद भारद्वाज, ओवरऑल जो एक मोटे तौर पर बात निकलकर सामने आई जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, धनेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अब थोड़ा एक जल्दी में जवाब दीजिएगा कि एक फ्रेंडली फाइट बताया जा रहा है कि आप लोग दिल्ली के जो जनता का कंसर्न है उसको साइड करके आप लोग अपने में इंगेज हो रहे हैं। देखिए हमारा फिर से यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरे मापदंड में चलेंगे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, गंभीर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने किस तरीके से अपनी लड़के की कंपनियों को फायदा पहुंचाया, ये सारे आरोप लगे हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जांच कराने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। अरे चीफ सेक्रेटरी की जांच क्यों नहीं हुई? 850 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने, अपने लड़के को बगैर टेंडर के उन्होंने आईएलबीएस का काम करवा दिया, उस चीफ सेक्रेटरी की या उस चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उस चीफ सेक्रेटरी को क्यों बताया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साठगांठ चीफ सेक्रेटरी से कौन से घोटाले में शामिल है? 850 करोड़ रुपए में लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या पैसे मिले? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिले? ये बात भी तो दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं ना, ऐसे दोहरे मामले। चलिए दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों के हित सधे और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसे तो एक बात तय है कि सर्दी बढ़ रही है लेकिन सियासी गर्मी दिल्ली की अभी और बढ़ने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।